ये कहानी शुरू होती है वेस्टर्न रटीना के दो द्रास के जंगलों से, जहाँ एक सुनसान सड़क के किनारे ऋषि और हैरी नाम युवती को हम क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे ऋषि ऊपर पहुंचता है तो उसे अपने सामने गंदे पानी से भरी नदी दिखाई देती है, पर अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए वो हैली को ऊपर आने का इशारा करता है। हम हैली को देखते हैं जिसका पांव पर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है, अब हवा में लटकता है। खुद को संभालते हुए एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करते हैं और ऋषि को एक बार मदद के लिए पुकार, पर ऋषि को सामने न देखकर परेशान हो जाता है। अब उसके मुंह पर कुछ कपड़े फूल के कुत्ते हैं जिसको देखकर हैरान हो जाता है। नजर ऋषि पर जाती है तो इसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। अब कोई इसे जोरों से ऊपर खींच रहा होता है और जल्दी से अपनी रस्सी को काट देती है, खुद को संभालती है, संभल नहीं पाती, नीचे गिर जाती है। उसकी नजर ऋषि की लाश पे पड़ जाती है, इसे देखकर रोने लगती है। उसी दौरान से पहाड़ी से कुछ अजीब गरीब आवाजें सुनाई देती है, सुनकर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसका पॉइंट नुकीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाता है। वो कातिल अपने साथ से खींच के ले जाता है। हमारी नजर इस इलाके में हो रही वारदातों पे जाती है, जहाँ न्यूज में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बातें हो रही होती है, जहाँ तक लोग इस इलाके में किसी असेब को देखने का दावा करते हैं। और हम फिर इस इलाके में एक गाड़ी को गुजरता देख टेरिस पर देख, जो अपने इंटरव्यू के दूसरे शहर जा रहा होता है। सफर के दौरान ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, वो लेट होता पाता है और वो टाइम देखता बहुत लेट हो रहा था, और गाड़ी से उतर कर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहाँ ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता। ड्राइवर से बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, इसको चलते उसको कई घंटे वहीं गुजारने पड़ेंगे। ये सुनकर कैरिस परेशान होता है, वापस गाड़ी में आपके बैठ जाता है, जहाँ वो अपनी लेट होने की खबर इस कंपनी को देता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से फोन काट जाता है। अब फोन की तलाश में उसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है, अपनी गाड़ी वहाँ लाया और रास्ते में उसे एक बार एक लावारिस गाड़ी दिखाई देती है। में गुजरते गैस स्टेशन पर जहाँ उसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, बीमारी मुबतला लगता है। गाड़ी से उतर कंपनी वालों का इतला करने को यहाँ पर फोन बैठा होता है। अब गैस स्टेशन के मालिक से शहर पे जाने के लिए दूसरे रास्ते के लिए पूछता है, इसकी बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ लगे घंटे पे जाती है, जहाँ उसे शहर पहुँचने के लिए कच्चा रास्ता दिखाई देता है। और गैस स्टेशन के मालिक उस रास्ते से पूछता है, इसको सुनकर इस रास्ते पर जाने की सलाह देता है और गाड़ी लेकर उस रास्ते के लिए दरवाना होता है, जहाँ वो घने जंगल में होता हुआ एक इंटरसेक्शन पर पहुंच जाता है, जहाँ इसे शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। अब वो सोचकर अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ता है। अब इसकी नजर एक मरे हिरन पर जाती है, इसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने की गाड़ी से टकरा जाती है, इसे दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कैरिस इस हादसे में फंस जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक उसकी तरफ आते हैं और इसका हाल पूछते हैं। अब खुद को संभालते हुए कैरिस से माफी मांगकर नुकसान की रकम देने के लिए वादा करता है और साथ में उनके बीच सड़क पर गाड़ी करने की वजह पूछता है। यहाँ फ्रेंड्स उसे बताती है, सड़क पर किसी ने कंटीली तार बिछा रखी थी जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के टायर फट गए हैं। इनकी एक सहेली पिछले सेशन में गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन कैरिस ने वहां जाने पर मना करते हैं और सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिस गाड़ी को देखभाल करने के लिए पीछे रुक जाते हैं। तो रास्ते में उनकी नजर एक सड़क पर पड़े नेवल पर जाती है, जिसे देखने पर लगता है किसी ने दरमियान से उसे फाड़ कर फेंक दिया हो। थोड़ी देर जाकर इनको जंगल में गाड़ी के चलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे खतरे का अंदेशा होता है और वो सबको आगे बढ़ने के लिए बोलता है। यहाँ फ्रांसिस हम अवान को देखते हैं, इन्हें पास की झाड़ी से कुछ हलचल दिखाई देती है, वो देखने के लिए जाता है तो फ्रांसिस परेशान हो जाती है। अब उसे झंड में उसके पीछे जाती है, जहाँ चलते चलते उसकी नजर इवान के दूर पड़ती है। जैसे वो इसके नजदीक पहुंचती है तो इवान का कटा हुआ कान उसे दिखाई देता है, उसे देख कर रोने लग जाती है। तभी कोई शख्स इसके पीछे हमला करते हैं, उसे यहाँ पर मार देते हैं। वहीं हम चार लोगों को देखते हैं कि एक दूसरे की मदद के निकलते हैं। चलते चलते इनकी नजर एक घर पर जाती है, मदद मांगने के लिए उस घर की तरफ जाते हैं। कैरेट फेस तक गाड़ी को देख के परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। जल्द इनको पता चलता है इस घर में कोई नहीं है, स्टाफ कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं। नायन की नजर खाने के टेबल पे आती है, इसे देख के लगता है बरसों से इस घर में सफाई नहीं हुई। दूसरी तरफ कस्टमर गाड़ी की प्लानिंग मिलती है, जैसे फ्रेश में खोलते तो इसके होश उड़ जाते हैं। फ्रेश में ढेर सारे इंसानी अदा को देखते हैं, जैसे कि वो एक कमरे वही कंटिन्यू तार दिखाई देती है जो उसने पहले देखी थी। ये सब देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं। तभी कैरिस की नजर खिड़की के बाहर जाती है, जहाँ इनको एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अब चारों घर के पिछले दरवाजे को तब भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से चारों खूबसूरत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इस कातिल को अंदर आते हुए देखते हैं, अंदर आकर फंसीन की लाश को जमीन में फेंकते हैं। अब ये सारे यहाँ पर खूबसूरत हो जाते हैं। अब हम टीम आदम कौर को देखते हैं, तो फंसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं। अब तेज तार आला से इसको काटना शुरू कर देते हैं, जहाँ जैसे ही गाली चलाने लगती है वैसे इस बॉर्ड उसके मुँह पे हाथ रखता है। अब कुछ देर बाद वो कैनिबल इसको खाकर गैरी यूज हो जाते हैं। अब इस सभी मौका पाकर यहाँ से निकल रहे होते हैं और इसी बीच एक आदम खोर की नजर इन पे पड़ती है, इसे देखकर सब घर के पीछे भागना शुरू करते हैं। अब देखते ही देखते हुए आदम खोर उनके पीछे आ जाते हैं। कैरिस इनकी गाड़ी चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए इनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। तभी ये कैनिबल इस पे गोली चला देता है, तभी वो जख्मी होकर गिर जाता है। अब छपॉट के जंगल में भागते हुए देखते हैं। अब इसी बात एक तीर इसके सीने में आर पार होता है
अब वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अब कुछ देर कुछ दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। इन साहब को वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है और तीनों अपनी जान बचाकर जंगल में भागते हैं। अब शाम हो जाती है और कैनिपल इनके तीनों को पीछे लाके जाते हैं। वो तो तीनों थक कर एक जगह आराम करने की कोशिश करते हैं। ना कालिन को ऊपर देखने की इशारा करती है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो इनको अपने सामने वॉर टावर दिखाई देता है। इसे देखकर खुश होते हैं। हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। ऊपर किसी को ना पाकर उदास हो जाते हैं। जैसे की फास्ट एक बॉक्स मिलता है जिसे पाकर वो कैरिस की मदद करती है। इस तरह दूसरी तरफ काली को पुराना रेडियो मिलता है। रेडियो ऑन करके मदद मांगती है लेकिन कोई आंसर नहीं आता। कैरिस को कुछ नीचे आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो नीचे देखता है तो उसकी नजर उन तीनों आदमखोरों पर पड़ती है जो तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इन तीनों को ऊपर चढ़ता देख कर तब घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद वो वहां से चले जाते हैं और कार्ली अपनी रेडियो सिस्टम से अपनी लोकेशन बताती है। तभी वो आदमखोर रेडियो के वायर को तोड़ डालते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। वहां पर रखे पक्षी की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ती है। कैरिस की नजर टावर के नीचे दरख्तों पर जाती है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूदते नजर आते हैं जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं। अब वो भी दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इनको आता देख वो एक तरह से दूसरे दरख्त फंस जाते हैं। अब एक दरख्त को पार करने के दौरान आदमखोर काली के नजदीक पहुंच जाता है। अब वो इसके दो टुकड़े कर डालता है। कैरिस खुद को संभालते उठता है और उसे अपने पीछे एक पुलिस की कार दिखाई देती है और भागते उस गाड़ी को रोकता है। जैसे पुलिस वाला उसकी मदद के लिए आता है उसी टाइम एक तीर उसकी आंख में लगता है। अब फिर हमें कैनिबल को देखते हैं कि कैरिस को मारने आता है। कैरिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे रुकता है। अब वो नीचे देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अब हमें घर को देखते हैं जहां आदमखोरों ने जैसे को बांधा हुआ था। जैसे उसे मारने वाला होता है उसे बाहर से किसी गाड़ी के आने का शोर सुनाई देता है। अब कैरिस गाड़ी लेकर इसे कुचल डालता है। अब आखिरी कैनिबल को भी नुकीली चीज से मार देते हैं। कैरिस जैसे को बचाते उसे खोलने लगता है। इसी बीच एक आदमखोर से फिर से हमला करता है। कैरिस तीर की मदद से उसे मार डालती है। अब जैसे बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर पुलिस गाड़ी में रखे फ्यूल टैंक पे जाता है। अब उसको फायर करते हैं जिसके बाद जोरदार धमाका होता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। अब दोबारा गैस स्टेशन पर जाते हैं। ट्रक को आता देख स्टेशन मालिक दरवाजा बंद करते हैं और कैरिस नीचे उतरता है और वहां पर लगे इस मैप को उतार कर यहां से चला जाता है।